मेरे, अरे ऐसे कैसे चलेगा, मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी है और नो हंगामा। कुछ तो होना चाहिए यार, धमाल मस्ती नाच गाना। यार एक्चुअली बजट का प्रॉब्लम है और पापा ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, एंड आई डोंट वांट टू ट्रबल हिम। अब मैं ऑफिशियली अपसेट हूँ। अब क्या हुआ? मतलब मैं कहने के लिए बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, मेहंदी और संगीत मैं ऑर्गेनाइज करूंगी, दैट्स फाइनल। पागल है क्या? चुप कर। बोल दिया ना मैं ऑर्गेनाइज करूंगी, दैट्स फाइनल। लेकिन राज, शट अप। अगर ज्यादा बोली ना तो कोर्ट मार्शल कर दूंगी, समझी? अच्छा बाबा, बातों में ना तुझसे कोई नहीं जीत सकता। अभी से ये तेवर है मैडम के, तो पता नहीं मेजर बनने के बाद क्या हाल होंगे। हाय हाय, आप मीता भाभी की बेस्ट फ्रेंड राधिका हो ना? हाँ। और आप? मैं सोनिया, आपकी बेस्ट फ्रेंड की होने वाली ननन। अच्छा, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। सेम यार। मीता के पापा कह रहे थे कि संगीत की सारी अरेंजमेंट्स आप ही ने की है। हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, तू खाना नहीं खाएगी? भूख नहीं लगी है क्या? ऑफ कोर्स मेजर, लुक एट माय हैंड्स। चल मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। क्या खाएगी? कुछ भी खिला दे मेरी माँ। क्या चल रहा है वहाँ? कहाँ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? पता नहीं, बाहर चल के देखे। चल। कुछ नहीं, वो शादी के वेन्यू के बारे में बात हो रही होगी। चल। Wow, look who's back. So then what? तू हनीमून पे गई थी ना? कैसा था तेरा हनीमून? ठीक था। ठीक था? ये कैसा जवाब हुआ? कुछ तो बता। तू भी ना राधिका। What? कुछ टेंशन है क्या? नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो फिर? थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है, होता है होता है। कब से फोन बज रहा है तेरा? उठा ले। चल उठा ले, बात करने में शर्म आ रही है। बस 2 मिनट लगेंगे।
हेलो हेलो मीता, मीता आज ऑफिस नहीं आ रही। ऑफिस नहीं आ रही है, पहले बोलना चाहिए था। मीता मैडम है, आप अंदर जाके उनसे बात कर लीजिए। गुड मॉर्निंग, आप मीता मैडम है? जी नहीं, आप कौन? जी मैं HSC बैंक से आया हूँ, मुझे मीता मैडम से मिलना है। उन्होंने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था, इसलिए उनके कुछ सिग्नेचर चाहिए थे। पर्सनल लोन? जी नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, उसे तो होम लोन लेना था, घर खरीदने वाली थी वो। जी नहीं, उन्होंने 7 लाख के पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया है। अच्छा, आज तो वो ऑफिस नहीं आई है, आप कल आके सिग्नेचर्स ले सकते हैं। थैंक यू मैडम। ओए, तू ऑलरेडी यहाँ पे है? तूने मुझे पिक क्यों नहीं किया? कितना फोन किया तुझे, तू फोन भी नहीं उठा रही है, बात क्या है? एक्चुअली मैं अपना फोन आज घर भूल आई। सुमित को इस तरफ कुछ काम था तो उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया, इसलिए मैं तुझे नहीं पिक कर पाई। ओह, बाय द वे, एक बैंक से बंदा आया था तेरे कुछ सिग्नेचर्स लेने, तुझे तो होम लोन लेना था, फिर ये पर्सनल लोन क्यों? पता है ना इंटरेस्ट रेट कितना होता है? नहीं, वो मेरे लिए नहीं, सुमित के बिजनेस के लिए है। ओके। अच्छा सुन, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी तुझे और तेरी फैमिली को डिनर पे बुलाऊं। अरे पर सो कल 8:30 मेरे घर पे पूरी फैमिली के साथ, ये डिनर की क्या जरूरत है, बस तुझे आना है। तू समझ नहीं रही है, दैट्स एन ऑर्डर, 8:30। बाकी का खाना भी यही ला कर रख दो। परफेक्ट, मीता आती होगी। नहीं आ सकती, कमाल है, ना सॉरी ना एक्सप्लेनेशन, स्ट्रेंज। टेंशन है क्या? नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं। कब से फोन बज रहा है तेरा, उठा ले। तूने मुझे पिक क्यों नहीं किया? कितना फोन किया तुझे, तू फोन भी नहीं उठा रही है, बात क्या है? एक्चुअली मैं अपना फोन आज घर भूल आई। सुमित को इस तरफ कुछ काम था तो उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया, इसलिए मैं तुझे नहीं पिक कर पाई। मैम वो सर पूछ रहे थे, रेजिंग डे वाली अरेंजमेंट सारी सॉर्टेड है ना? हाँ। अच्छा राधिका मैम, ये मीता मैम अपने पेरेंट्स के यहाँ रहने आई हुई है क्या? पेरेंट्स के यहाँ? नहीं तो
उसने मुझे कुछ नहीं बताया। इनफैक्ट कितने दिनों से तो वो ऑफिस भी नहीं आई, फोन भी नहीं उठा रही है। अरे पर मैंने तो उनकी कार उनके पेरेंट्स के यहाँ पार्क देखी थी। पेरेंट्स के यहाँ? हाँ, इनफैक्ट कुछ 3-4 दिनों से कार वही पार्क है, रोज ऑफिस से आते हुए देख रही हूँ मैं। ओके, मैं बात करती हूँ। मीता, मीता तू यहाँ कैसे? और तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैंने कितना ट्राई किया। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। अंदर चल के बात करते। अब बता तुझे क्या हो गया है? पिछले 1 हफ्ते से मैं तेरा फोन ट्राई कर रही हूँ, तू फोन नहीं उठा रही है और ऑफिस भी नहीं आ रही है, उस दिन डिनर पे भी नहीं आई। हो क्या गया है? कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं है आजकल। खैर छोड़, तेरा काम कैसा चल रहा है? 1 मिनट। What the hell? ये क्या है मीता? कुछ नहीं। सच सच बता, ये किसने किया है? बोल। कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई उस घर में शादी करके। बाहर से जितने ब्रॉड माइंडेड दिखते थे वो लोग, अंदर से उतना ही घटिया और लालची किस्म के लोग हैं वो। उनकी डाउरी के डिमांड्स खत्म ही नहीं होते यार। हर बात पे ताना, शुरू से उनको जो कुछ भी चाहिए था मेरे पेरेंट्स ने सब कुछ किया उनके लिए, लेकिन मेरे पेरेंट्स के पास उतने पैसे भी नहीं है क्योंकि सारे डिमांड्स को वो पूरी करती जाए। इसलिए तूने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया ताकि उनकी डिमांड्स तू पूरी कर सके। मैंने तो अपने तरफ से सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उनका पेट ही नहीं भरता है। कुछ भी कर लो उनके लिए, कोई ना कोई नुक्स निकालते ही है वो। फिर एक दिन घर पे किसी बात पे बहस हुई, उस दिन मैंने स्टैंड लिया कि आज के बाद कोई भी सामान उनके पास नहीं आएगा मेरे घर से। लेकिन फिर उन्होंने तुझे मारा? सुमित ने? हाँ, सुमित की मां ने। खाना लग गया, आ जाइए। सब गिरा दिया। और मुझे घर से निकल जाने को कहा। तूने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर बताती तो पहले कैसे बताती? क्या बताती तुझे? और सुमित ने? उसने उसने रोका नहीं? सुमित बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने एक बार भी मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है। कई बार उन्होंने अपने मम्मी पापा को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन क्या फायदा? उनकी माँ के सामने उनकी कुछ नहीं चलती। देख, तुझे जितना सहना था सह लिया। तू ये सब डिजर्व नहीं करती है, तो उसे छोड़ दे और फैमिली के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दे। हाँ, सब बोलना बहुत सिंपल है। मैं कैसे छोड़ दूं सुमित को? उसकी तो कोई गलती नहीं है। जो कुछ हुआ है वो उसके माँ पापा ने किया है मेरे साथ। और जब भी मैं अपनी माँ पापा के बारे में सोचती हूँ, मैं नहीं छोड़ सकती सुमित को। ये बहुत सिंपल है। तू जैसी अच्छी लड़की वो लोग डिजर्व नहीं करते। देख अपने आप को, क्या हालत बना दी है। तू आम लड़की नहीं है, तू एक आर्मी ऑफिसर है। मजाक नहीं है अनीता। तो क्या हो गया अगर मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ? हूँ तो मैं एक लड़की ही ना। क्या बकवास है, लड़की हुई तो क्या हुआ?
मीता, 3 महीने पहले तू उस लड़के को जानती तक नहीं थी, 3 महीने में इतना अटैचमेंट हो गया कि तू उसे छोड़ नहीं सकती। अंकल आंटी को पता है, उन्होंने कुछ कहा? देखो बेटा, मैं जानता हूं कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक तो नहीं है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? लड़कियों के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। बस एक चीज है कि कुछ लोगों को ज्यादा लालच होती है और कुछ को कम। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि मीता के ससुराल वाले इतने ज्यादा लालची निकले। अंकल आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों करेंगे उनकी डिमांड्स पूरी? देखो बेटा, अगर हर थोड़े दिनों में कुछ ना कुछ भेजते रहो तो ससुराल में बेटी की इज्जत बनी रहती है। अंकल आप कौन सी इज्जत की बात कर रहे हैं? उन्होंने जो कुछ भी मांगा आपने सब कुछ दिया, तो फिर कौन सी इज्जत कर रहे हैं वो आपकी? आपने इतनी अच्छी बेटी दी, पढ़ा लिखा कर आर्मी ऑफिसर बनाया, क्या वो काफी नहीं है? और वैसे भी डाउरी देना और लेना दोनों इक्वली क्राइम है। देखो बेटा, ये सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हकीकत यही है। देखिए, जो भी डिमांड है ना, आप पूरी कर दीजिए। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि लड़की अभी तक अपने पिताजी के घर बैठी है? पूरे 10 दिन हो चुके हैं और सुमित का एक फोन कॉल तक नहीं आया। लेकिन मीता, ऐसा कब तक चलेगा? उस दिन भी अंकल आंटी को समझाने की कितनी कोशिश की, लेकिन वो लोग मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं। रात का कोई तो सलूशन होगा यार। मम्मा पापा भी आजकल इस बात को लेकर काफी परेशान रहते हैं, और ऊपर से समाज के ताने। बेटी घर पे क्यों है? वापस कब जाएगी? कहीं इनका डिवोर्स तो नहीं हो रहा है? एंड गॉड नोज व्हाट नॉट। मीता, मेरे पास एक आइडिया है। देख, मैं ना तेरे ससुराल जाऊंगी, आर यू श्योर? यार कोई प्रॉब्लम ना हो जाए? आई एम 100% श्योर। देखना अब कैसे मैं उन्हें उन्हीं के तरीके से समझाती हूँ। हेलो आंटी जी। हेलो। मीता की फ्रेंड राधिका, याद है शादी में मिले थे? हाँ याद है। मीता है अंदर? हाँ वो अब जाने दीजिए। वैसे भी आपसे ये काम था, कुछ सामान रखवाना था। सामान? हाँ, एक मिनट। हाँ जवान, ये कहाँ से ले जा रहे हो? ये किसका सामान है? मैडम, अंदर दूसरा फ्रिज रखने की जगह नहीं है। लो, फ्रिज रखने की जगह नहीं है, आपके बेडरूम में रखवा दो या फिर बाथरूम में। ठंडे पानी की जरूरत तो हर जगह होती है। नहीं, एक मिनट में एक क्या तमाशा लगा रखा है, कोई मुझे बताएगा? तमाशा नहीं आंटी जी, आपके बेटे की शादी हुई है, दहेज नहीं लेंगे तो मजा कैसे आएगा? अब देखिए ना, दो दो फ्रिज, दो दो वॉशिंग मशीन, दो दो टीवी। अब लग रहा है ना कि आपके बेटे की शादी हुई है? ये मीता के मम्मी पापा तो बिल्कुल नहीं समझते। सोचा मैं ही कमी पूरी कर देती हूँ, और भी कोई मांग रहे हैं तो बोल दीजिए, मांगने में कैसी शर्म है ना? मेरे ही घर में मेरी बेइज्जती, निकल जाओ यहाँ से। अरे आंटी जी, ऐसे ही बोल के हर किसी को आप घर से निकालते हैं क्या? मीता को भी घर से निकाला था। चलिए, होप आपको ये सब पसंद आया हो। चलो जवान, ये बड़े सामान इधर छोड़ के एक
नहीं मिता, तू ऐसा क्यों सोच रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखना, तेरी सास तेरे साथ वैसा सुलूक करने का बिल्कुल नहीं सोचेगी। तू बस बिल्कुल टेंशन मत ले, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा, मैं कह रही हूँ ना। चल अब मैं रखती हूँ, ठीक है? बाद में बात करते हैं, बाय। मैडम आपको कर्नल विक्रमजीत सिंह साहब बुला रहे हैं। मैं आई कमिन सर। कमिन राधिका। सर राधिका, आई हैव सम बैड न्यूज फॉर यू। सिविल पुलिस के कुछ लोगों ने अभी अभी हमें इन्फॉर्म किया है कि तुम्हारे खिलाफ मीता के इन-लॉज ने कोई कंप्लेंट लिखवाई है। उनका कहना है कि तुम उनके घर में जबरदस्ती घुसकर चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। व्हाट सर? सर ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं जानता हूँ कि ये झूठ, हमारी आर्मी का कोई ऑफिसर ऐसी कोई हरकत कभी कर ही नहीं सकता, लेकिन इस केस को अब आर्मी इंटरनल लॉ ऑफ कोड हैंडल करेगी। आई एम सॉरी बट आर्मी कॉप्स आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट इट, एंड टिल देन योर प्रमोशन विल बी ऑन होल्ड। हेलो राधिका, तू कहाँ है? क्या हुआ मीता, तू रो क्यों रही है? तू अभी आ सकती है क्या? ओके, मैं 15 मिनट्स में पहुंचती हूँ। हमने बेवजह एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर ली। मीता साफ साफ बता, बात क्या है? कहीं फिर से उन्होंने कुछ? तुझे वहां नहीं जाना चाहिए था राधिका, लेकिन तूने वहां जाके जो कुछ भी किया आज, उसके बाद मेरे इन-लॉज और ज्यादा अपसेट हो गए। उन्होंने मेरे पेरेंट्स को कॉल किया और बहुत इंसल्ट किया यार, इस हद तक इंसल्ट की कि मेरे घर वालों को उन्हें मनाने के लिए उनके घर जाना पड़ा और बेचारे दो चार बात और सुनकर आ गए। They're not even talking to me now. देख, तू फिक्र मत कर, हम कुछ ना कुछ करेंगे। और क्या करेंगे? और वैसे भी तू आज जो कुछ भी करके आई है, उसके बाद मेरे लिए उस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके। लेकिन नीता मैं बस यार राधिका, अपनी तरफ से सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उनका पेट ही नहीं भरता। कुछ भी कर लो उनके लिए, कोई ना कोई लोग निकालते ही हैं। वो बाहर से जितने ब्रॉड माइंडेड दिखते थे वो लोग, अंदर से उतना ही घटिया और लालची किस्म के लोग हैं वो। देखिए जो भी डिमांड है ना, आप पूरी कर दीजिए। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? लड़की अभी तक अपने पिताजी के घर बैठी है। सिविल पुलिस के कुछ लोगों ने अभी अभी हमें इन्फॉर्म किया है कि तुम्हारे खिलाफ मीता के इन-लॉज ने कोई कंप्लेंट लिखवाई है। उनका कहना है कि तुम उनके घर में जबरदस्ती घुसकर चोरी करने की कोशिश कर रही थी। हेलो रोहतक मिलिट्री बेस। हाय, कैन आई स्पीक टू कैप्टन राधिका? आप कौन बोल रहे हैं? कैप्टन नीता दिस साइड। वो पिछले कई दिनों से ऑफिस नहीं आई है। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ किसी ने पुलिस कंप्लेंट लिखी है, और हाँ जो उनका प्रमोशन होने वाला था वो भी रोक लिया गया है।
Anyways, thank you. Okay. Oh my God. I'm sorry, Radhika. उस दिन मैं तुझसे कितने गलत तरीके से बात कर रही थी. तू मेरी हेल्प करना चाहती थी और मैंने अपनी सिचुएशन के लिए तुझे ब्लेम किया. मैंने कितना कुछ सुनाया तुझे और तू चुपचाप सुनती रही. नहीं मीता, तेरी प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम्स से कहीं ज्यादा बड़ी है. आई एम सॉरी राधिका, ये सब मेरी वजह से हो रहा है. तेरी कोई गलती नहीं है. अगर तू मेरी जगह होती तू भी वही करती जो मैंने तेरे लिए किया है. मैं तुझे बता नहीं सकती मुझे कितना बुरा फील हो रहा है. तुझे पता है उस दिन जब तुमने मुझे बताया कि मेरे इन-लॉस को तूने सबक सिखा दिया है, कुछ देर के लिए तो मुझे भी लगा कि शायद उन्हें सही और गलत के बीच का फर्क समझ आ गया. लेकिन नहीं, दे आर होपलेस. उनका कुछ नहीं हो सकता. देख, जो कुछ भी हुआ है इसके लिए मैं तुझसे माफी मांगती हूँ. नहीं, I'm sorry. तू सॉरी क्यों बोल रही है? गलती ना तेरी है ना मेरी है. सॉरी तो उन्हें बोलना चाहिए जो इस पूरी सिचुएशन में गलत है. परेशान दिख रहे हो आप लोग. सोनिया को बहुत चोट आई है ना. ये हमारे घर का मामला है, तू दखलंदाजी मत कर. अरे आप चल रहे हो यार. वाह, आज खुद की बेटी को इस हालत में देखकर बहुत तकलीफ हो रही है ना. उस दिन कहाँ थी ये तकलीफ जब मेरे साथ आप लोग इससे भी बदतर सलूक कर रहे थे. अरे तू परे यार, चलो मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी चलो. कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अच्छा, बेटी के ससुराल जा रहे हैं. वैसे वहां जाके कहेंगे क्या? कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें सबक सिखाने के बजाय आप उनके हाँ में हाँ मिला के आ जाए. क्योंकि ख्याल और हरकतें आपकी भी वैसी है. नहीं, तुम कौन होती हो बोलने वाली? ये हमारे घर का मैटर है. मम्मी सही तो कह रही है. क्या कहेंगे कि आप मेरे ससुराल में जाके कि हमारी बेटी से दहेज मत लो या फिर इसे मत मारो? हाँ सोनिया, तू मैं समझाती हूँ. सोनिया से मैं मीता और सुमित की शादी में मिली और मिलते ही मुझे ऐसा लगा कि मेरी फ्रेंड एक अच्छे घर में जा रही. लेकिन सैडली ऐसा नहीं है. जब मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था तब मैंने सोनिया से मीता के प्रॉब्लम शेयर किए. तब सोनिया मेरा साथ देने को तैयार हो गई. बात सिर्फ दहेज ना दे पाने की नहीं है, बात दहेज लेने से इनकार करने की. और तुम सुमित,
बहन के साथ ये सब हो रहा है तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। उस वक्त कहाँ थे जब यही सब मीता के साथ हो रहा था? जबकि उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत मीता को तुम्हारी थी। प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत करना, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मीता, I'm really very very sorry। और मामा, गलती तो हमारी है। राधिका और मीता सही तो कह रहे हैं, बचपन से लेकर आज तक आपने जो कुछ काम मैंने वो किया है। मीता के मॉम डैड से हम कुछ एक्सपेक्ट करें तो उसमें हमारी गलती नहीं है, लेकिन उससे सही भी तो नहीं बन जाते ना। हमेशा मीता के ऊपर जो कुछ भी आपने जुल्म किया मैं हमेशा उसको इग्नोर करता रहा, लेकिन अब नहीं। मीता, क्या तुम मुझे एक और चांस दोगी? प्लीज, मैं तुमसे वादा करता हूं कि इस घर में तुम्हें आज के बाद कोई परेशानी नहीं है। प्लीज मीता, मुझे एक चांस और दे दो। इट्स ओके। बेटा, बहुत शर्मिंदा है हम। मैं इन सब की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहता हूं। बेटा, वैसे इस घर में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पता नहीं हम कैसे भूल गए कि हमारी भी एक बेटी है और उसके साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। I promise you, बेटा, कि आज के बाद तुम हमारे इस घर में बिल्कुल हमारी बेटी की तरह रहोगी। आई प्रॉमिस। आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी बेटा। Yes, sir. Colonel Vikram Singh here. I hope you are fine. Radhika, मेरे पास तुम्हारे लिए good news है। What, sir? तुम्हारे खिलाफ चोरी की complaint जो मीता की in-laws ने लिखवाई थी, वो उन्होंने withdraw कर दी। मैंने उनसे बात की, and they were repenting on what they did to you. और उन्होंने तुम्हारे लिए एक written apology भी दी है। And because तुम पे लगाया गया सारा आरोप बेबुनियाद है, इसीलिए military internal code of law ने decide किया कि तुम्हारे promotion के process को जल्दी पूरा किया जाए। Thank you so much, sir. Major Radhika, I will send few documents. उन papers को sign करके मुझे मेरे office में जल्दी से मिलो, okay? Yes, sir.